ओके सर, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बेहतरीन अवार्ड मिलना, और हर वक्त आपको अवार्ड, चाहे ITA अवार्ड हो, दादा साहेब फाल्के हो, जी अवार्ड हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, बेहतरीन अवार्ड, हर अवार्ड आपको मिलते हैं। क्या कहना चाहूँगा यार, आई एम वेरी थैंकफुल, इट्स वेरी काइंड ऑफ पीपल टू कीप वोटिंग फॉर मी। आई हैवंट वर्क्ड इन द पास्ट वन एंड हाफ इयर्स एंड आई एम स्टिल द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हियर, सो या इट्स, आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स क्रेजी एंड इट्स ब्यूटीफुल, आई एम थैंकफुल एंड इट्स यू नो यू फील ग्रेटफुल टू बी हियर। लोग चाहते हैं आप और हेली मैम एक साथ आए जल्द से जल्द, क्या कहना चाहोगे? फैंस का इतना प्यार मिलना आप लोगों को, कोई सॉन्ग आए, क्या कहना चाहोगे? यार मैं ना दिल से ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, आई रियली वुड वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल दीज फैंस हु यू नो लेफ्ट राइट सेंटर कीप पिचिंग मी एंड हेली फॉर ऑल दीज गिग्स एंड आई एम सॉरी बिकॉज इट हैजंट वर्क्ड टिल येट, बट जैसे ही कुछ अच्छा होता है डेफिनेटली यू नो विल डू सो। ओके, कुछ एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे कुछ? इट्स समथिंग फॉर द वेब, आई कांट रिवील मच, बट या देयर इज समथिंग द वेब दैट्स सपोज टू कम बैक। सर, हेली मैम और आपकी जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, वो हमेशा से फैन लव करते हैं, इस केमिस्ट्री पर मतलब क्या कहना चाहोगे? मतलब ये केमिस्ट्री है काजल और शाहरुख जैसी केमिस्ट्री लगती है, क्या मतलब लोग काफी पसंद करते हैं, मतलब ये बोलो लोग पसंद करते हैं, ये मत बोलो काजल और शाहरुख, क्यों क्यों? क्योंकि हमारी अमिताभ और जया जी। ओके, बिग बॉस कितना देख रहे हैं? आपके दोस्त शालिन की काफी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहोगे? और जो टीना और शालिन का लव दिखाई दिख रहा है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, शालिन मेरा दोस्त है, आई वुड वांट हिम टू विन एंड आई वांट हिम टू क्लियर एनी नेगेटिव इमेज दैट ही हैज एंड ही शुड गो आउट एंड पुट आउट हिज बेस्ट फुट। लोग तो बोलते ही हैं, लोग ट्रोल भी करेंगे, कोई बात नहीं, आप फिर भी अपना बेस्ट करेंगे। लेकिन जो करण सर ने बोला था कुछ कुछ होता है, तो सिम्बुल, शालिन और टीना, ये तीन एंगल आप कैसे देख रहे हैं? मतलब सिम्बुल मतलब ऑब्सेस हो दिखाई दे रही है, लेकिन एक कंसर्न एक फ्रेंड की जो होती है। सिम्बुल छोटी बच्ची है और सिम्बुल आई डोंट नो इफ इट इज ऑब्सेस बट आई थिंक शी जेन्युइनली केयर्स और उसको मतलब लोग कह रहे हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं, बट मेरे को जो लगा, मेरे को लगा कि शी जेन्युइनली केयर्स और वो दिल की अच्छी है, इस वजह से वो जेन्युइनली केयर करती है। एक फेक नाम दिया शालिन और ये, मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ एपिसोड में खाली एक चीज को लगा के वो दिखाया जाए शालिन और सिम्बुल का लव रिलेशनशिप, ऐसा ये झूठा झूठा सोशल मीडिया में क्या? झूठा मूठा कुछ नहीं है, देखिए एक शो है और वो एडिट होता है और वो दिखाया जाता है, तो एक अगर आप नैरेटिव सेट करने की बात करें उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट एज फार एज वट आई नो ऑफ शालिन, आई नो एट हिज हार्ट इज अ वेरी गुड पर्सन। सिम्बुल हमें पता लग गया कि वो दिल की बहुत साफ है, वो जेन्युइनली बहुत केयरिंग लड़की है, उसके दिमाग में या दिल में कोई मतलब देयर इज नो डार्कनेस, तो इस वजह से वो आपको ऐसी लग रही है, बट आई थिंक शी इज अ ग्रेट गर्ल एंड या दैट्स अबाउट इट। और टीना को क्या कहना? टीना बार बार डांटती रहती शालिन और शालिन ही कीप्स लिसनिंग, आप कैसे देखते हो? मतलब हर बार शालिन दिस इज नॉट डू, शालिन दिस इज नॉट डू, वो लड़कियां तो डांटती रहती है ना, यू हैव टू क्या कर सकते हैं, डांट पड़ रही है तो। लेकिन आप एक एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या एडवाइस देंगे? बी ह्यूमरस, बी स्ट्रांग, डोंट शो ऑफ टू मेनी इमोशंस, डील एंड टैकल सिचुएशंस अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। और क्या इसके अलावा कौन कंटेस्टेंट आप देख रहे हैं? अर्चना भी है काफी, अर्चना मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी ऑफ लेट बाय बिकॉज़ आई थिंक शी रियली गेट्स द ईरी साइड ऑफ पीपल आउट, तो वो सही पिन मारती है, पिन मारती मतलब जाके मतलब, और वो निकल भी जाता है। Yeah, and लोग उसमें आ भी जाते हैं, good you know balance of dynamic there. I like Priyanka, I think she's very strong and very assertive in what she wants. Since starting onwards आप शालिन को काफी support कर रहे हो, अगर आपको मौका मिले, because you are the big colors face, आपको मौका मिले और एक message देना चाहे शालिन को, क्या देंगे आप? मैं शालिन को बस ये बोलूँगा कि bro, don't let emotions get the better of you. हर सिचुएशन को ह्यूमरसली आप डील करिए, कोई बेटर सोल्यूशन निकालिए। आई नो एंड यू ऑल्सो नो यू आर अ स्मार्ट पर्सन, वी बोथ नो दैट, सो द गेम इज़ बिगर देन वट पीपल थिंक इट इज़, बट आई नो इट्स अ वे बिगर गेम फॉर यू, सो गॉड ब्लेस यू एंड मे यू अचीव वट यू यू नो वेंट आउट टू अचीव इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, प्रियंका और अंकित के बारे में आप क्या देख? क्यूट यार, बहुत क्यूट, लेकिन काफ़ी डांटती, यहाँ पे भी अंकित सुन सुन के ही लेता है, मतलब हर जगह। पहले भी बोला था कि विमेन विल स्कोल्ड यू एंड यू हैव टू लिसन, सिंपल, देयर इज नो, इसमें कोई वो नहीं है, वो डांट रही तो चुपचाप सुन लो,
ओके, आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा जया और अमिताभ बच्चन, लेकिन हेली मैम तो डांटती नहीं है, कुछ नहीं करती है, डांटती नहीं है। हाँ मतलब, तो उनका नेचर बहुत ही अच्छा और केयरिंग नेचर है। अरे मैं रियल लाइफ कपल थोड़ी हूँ कोई हेली के साथ। जोड़ी की बात। जोड़ी, ओके, आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द केयर, एंड इट्स एस्टोनिशिंग टू रिसीव द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ द ईयर अ ईयर आफ्टर योर शो हैज एंडेड. So thank you for all of that, man. Really grateful.